बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो गई। परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी। अंतिम दिन हिंदी विषय की परीक्षा ली गई। जिले भर में परीक्षा शांतिपूर्ण रही। इस बार इंटर परीक्षा में 41,838 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। वहीं कई परीक्षार्थियों ने कहा कि एग्जाम अच्छा गया है और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लगता तो है 80 प्लस मार्क्स आना चाहिए, बट अब चेकिंग के हिसाब से पता चलता है कि तैयारी तो अच्छी थी। नहीं, चोरी वोरी कुछ भी नहीं हो रही थी। बहुत स्ट्रिक्ट थे मैम लोग, बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छे से बिहेव आ रही थी, और फिर चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं हो रही थी। तो अच्छा गया, तैयारी अच्छा था। आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। क्या लग रहा? मतलब लग तो रहा है कि सारा एग्ज़ाम अच्छा गया है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के रामपुर गांव के रहने वाले स्वर्गीय जीवन सिंह के 34 वर्षीय पुत्र आर्मी के जवान राहुल कुमार उत्तराखंड में बर्फ के भूस्खलन में शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचने के बाद गांव के लोगों द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद गांव से शहीद राहुल कुमार का काफिला भारत माता के जयकारों एवं शहीद राहुल कुमार अमर रहे का नारा लगाते मोटरसाइकिल जुलूस के रूप में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पहुंचा, जहां विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल, DSP डॉक्टर गौरव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, भाजपा नेता नवीन कुमार ने शहीद राहुल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आर्मी के दर्जनों जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी दी। शहीद राहुल कुमार के छोटे भाई रोहित कुमार के द्वारा उनको मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी गई। सुल्तानगंज ही नहीं, भागलपुर जिला और बड़का जिला के सौभाग्य की बात है, ऐसा सुपुत्र मिला है हमको, जिसको पूरा इलाका पूरा देश याद करता है। हम लोग उनको सम्मान देते हैं और प्रभु से मांग करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना। सुल्तानगंज के चौक बाजार में 2 सांड अपने आतंक से शहर एवं ग्रामीण इलाकों के लोगों को गंभीर रूप से घायल कर रहे थे। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के द्वारा नगर परिषद के सफाई निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे, पशुपालन विभाग के विकास मित्र धर्मपाल, जीवन कुमार, ऋषि कुमार एवं स्थानीय पुलिस कर्मियों के सहयोग से सांड को पकड़कर उस पर काबू पा लिया गया। इस दौरान नगर परिषद के सफाई निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे एवं नगर परिषद के कई कर्मी घायल हो गए। धर्मपाल ने बताया कि दोनों सांड को रेस्क्यू करके पकड़ लिया गया है, जिसमें नगर परिषद के सफाई निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे एवं सफाई कर्मी चोटिल हुए हैं। इन दोनों सांड को वाहन के द्वारा सुइया पहाड़ के जंगलों में सुरक्षित छोड़ा जाएगा। आज अभी गाड़ी पर लोड करके हम लोग सुइया पहाड़ के तरफ उस जंगल में इसको जो सुरक्षित छोड़ा जाएगा। इस सांड को पकड़ने में कई लोग घायल भी हुए क्या? हाँ, कई लोग घायल भी हुए हैं। जो सांड जो भागे तो उसके चलते कुछ लोग घायल भी हुए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर के हर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य काफी तेजी से चल रहा है। इसको लेकर कई जगह जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी बाबत आज 0 माइल में सड़क के किनारे बने अवैध रूप से कई दुकानों को खाली कराया गया। दुकान खाली कराने के क्रम में प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा। गौरतलब हो कि सड़कों पर अवैध रूप से बने दुकानों के चलते राहगीरों एवं वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तो और लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण हटाने के क्रम में स्थानीय युवक का कहना हुआ, हमारी पीढ़ी यहीं पर गुजर बसर की है, हमारे पिताजी एवं दादाजी का भी व्यवसाय इसी दुकान से था, आज उसे तोड़ा जा रहा है, यह सही नहीं है, जबकि हम लोगों को जिला प्रशासन द्वारा ही यह जमीन मुहैया कराई गई है। हम सबको 40 साल से जमीन मिला है, मगर CO BDO पास जाते हैं, एक बार DM को भी कागज दिया है मेरा मम्मी, तो DM भी नहीं सुना, कोई नहीं सुनता, हम सबको काहे नहीं सुनता। अब उसका थी मन क्या कहता है? बोलता है देंगे देंगे, ऐसे करते करते 10 से 20 साल हो गया है यहाँ पे। पापा मम्मी सब बूढ़ा हो गया, जब से हमसे हम भी बड़े हो गए यहीं पे। जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा लहरी टोला स्थित साध धर्मशाला में सम्मान सह नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर शिक्षाविद राजीवकांत मिश्रा का बुके व माला पहनाकर पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन सहित जदयू के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन महानगर युवा जदयू के अध्यक्ष मोहम्मद समीम रिजवी के नेतृत्व में किया गया था। जी, दरअसल आज अपने परिवार द्वारा सम्मान किया जा रहा है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, जब अपने परिवार के लोग आपका सम्मान करते हैं। इसके लिए यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ कि जो जिम्मेवारी दी गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसको पूरे बिहार में
अच्छी तरह से लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था बजट में बिहार को क्या मिला और क्या नहीं। प्रेस वार्ता भाजपा के विधायक सह प्रदेश महामंत्री डॉक्टर संजीव चौरसिया के द्वारा की गई थी। पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा 2023-24 का बजट पेश हुआ। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में रियायत दी गई है। संजीव चौरसिया ने बताया कि बिहार को 17 अमृत महोत्सव स्टेशन मिले हैं और ऐसी कई योजनाओं से इस बजट में बिहार को लाभ दिया गया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, अभय वर्मन, पूर्व प्रत्याशी नभय चौधरी, सरस लाल पुरिया व मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं बिहार के स्थानीय उत्पादों के लिए भी अलग अलग प्रकार से केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में यूनिट मॉल की स्थापना की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो योजना केंद्र सरकार का है उसको आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म के दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। और जो टीयर वन टीयर टू शहर जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, ये प्रमुख शहर है, तीन शहरों के लिए भी टीयर वन टीयर टू जो शहर है स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ से बड़ी राशि जो बजट में दिया गया है। तो इन शहरों के विकास के लिए अलग अलग प्रकार के जो साफ सफाई से लेकर जलापूर्ति से लेकर स्ट्रीट लाइट, शौचालय, यानी कि इस बजट के दृष्टि से बिहार को लाभ अलग अलग सेक्टर में बहुत मिलने वाला है।